नमस्कार, मैं हूँ सुनील भारती और आज मेरे साथ है डॉक्टर अभिषेक शराब जी। और आप भले भांति ही आप जानते होंगे एसएन शराब सर के बारे में। उनके बाद अभिषेक शराब जी हैं जिन्होंने हड्डी और नस विभाग के डॉक्टर हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य जो है काफ़ी सराहनीय हैं। और जो काम ये कर रहे हैं वह एक जो लोग पटना जाते थे, जो मरीज जो है पटना जाते थे, वो अब दरभंगा में उनका इलाज हो रहा है। और उनके लिए कुछ जो अभी डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल युग के माध्यम से अब क्या कुछ नया कर रहे हैं सर, आप जरा बता देंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं। मैं काफ़ी रेगुलरली आपके चैनल के बारे में सुन रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं अभिषेक सराफ हुआ, हम लोग का सराफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर है दरभंगा में। बस ये मैं ये बताना चाह रहा था कि रीढ़ की हड्डी का तकलीफ, जिसके कई कारण होते हैं, जिसका कारण एक चोट लग जाना, छत पे से गिर जाना, पेड़ पे से गिर जाना, या गिर के रीढ़ की हड्डी टूट जाना जिसके कारण लकवा हो जाता है, और भी कई कारण होते हैं। रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो सकता है जिसका एक मुख्य कारण ट्यूबरक्लोसिस भी होता है रीढ़ की हड्डी का। उसके अलावा ट्यूमर होता है जिसके कारण, जिसको एक तरह का मामूली कैंसर कहा जा सकता है। तो इन सब के कारण अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ आती है, चल नहीं पाते हैं, थोड़ी दूर चल के रुकना पड़ता है उनको, सियाटिका टाइप की तकलीफ हो जाती है। या ये यदि बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो कई लोगों में लकवा की शिकायत हो जाती है। तो आज के युग में इसका इलाज पूर्णतः संभव है, बहुत अच्छा इलाज है और बिल्कुल ये क्यूरेबल है, यानी इसका इलाज बिल्कुल संभव है और अच्छा इलाज संभव है। मरीज का हम लोग यूजुअली यदि ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेट करते हैं, यानी सर्जरी उसकी होती है वो, और मरीज को यूजुअली हम लोग 2 से 4 दिन में बैठा देते हैं, चला देते हैं। और इस तरह के कई मरीज, अब तो 200-300 से ज़्यादा हो गए हैं, मुझे नहीं लगता बिहार में अभी हम लोग से ज़्यादा कोई स्पाइन सर्जरी यानी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कोई हम लोग से ज़्यादा कर रहा है, मुझे तो नहीं मालूम है। उसमें भी ये खास बात आ रही है क्योंकि हम लोग ये जो ऑपरेशन है उसके लिए लेजर से करते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप का मशीन होता है, काफ़ी महंगी मशीन होती है, जो कि हम लोग बाहर से मंगा रखे हैं और अपने ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करते हैं। तो ताकि हम लोग को चीरा बहुत छोटा देना पड़ता है, यानी छोटे से चीरे में हम लोग नस को देख करके नस को ठीक करते हैं और नस बाल जितना बड़ा होता है, पर यदि हम उस लेजर का इस्तेमाल करते हैं तो वही बाल रस्सी जितना मोटा दिखता है। तो इस तरह की सर्जरी के बाद सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। आप ही लोग के लिए मैं यहाँ आया हूँ, दरभंगा में काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यदि लोग इस चीज़ को अप्रिसिएट करते हैं, लोग इलाज करवाते हैं और अच्छे हो जाते हैं कम पैसों में, तो मुझे भी बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया दरभंगा आकर के। स्पाइन सर्जरी के बारे में अक्सर गांव में जो लोग हैं भगवान के जो है अभिशाप समझ के या कुछ ऐसा समझ के, लोग गरीबी समझ के, वो अपने आप को उस बीमारी के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन डॉक्टर साहब से नहीं मिल पाते हैं या कहीं दिखा नहीं पाते हैं। उसी मरीज के लिए सर, जो कि बुढ़ापे की लाठी समझ के, बुढ़ापे की कमजोरी ऐसे लोग समझ करके लोग यूज करने लग जाते हैं कि हमको अब बुढ़ा हो गए, अब तो ये नहीं होगा। क्या नहीं, आप लोगों के लिए खुशी की बात या अच्छी बात यह है कि ये एक महंगा इलाज होता है, स्पाइन की सर्जरी या रीढ़ की हड्डी की सर्जरी एक महंगा इलाज, बाहर में काफ़ी महंगा इलाज होता है। विश्वास कीजिए, मैं अपने हर मरीज को कहता हूँ कि यदि इससे सस्ता इलाज दुनिया में कहीं उपलब्ध है तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो आप वापस लेके चले जाएगा। मैं जानता हूँ कि इससे सस्ती सर्जरी, अभी मैं जिस चीज़ जितने पैसे लेकर के मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, उससे सस्ती सर्जरी करना मुमकिन नहीं है। चूँकि ये मेरा खुद का अस्पताल है तो मेरे को बहुत तरह की सुविधाएं मिल जाती है, और बड़े वाले डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस एन सराब ने कहा है मुझे कि अभी पैसे के लिए काम नहीं करो, अभी नाम के लिए काम करो, है ना। तो मैं अभी सिर्फ सेवा की भावना से ये सर्जरी कर रहा हूँ, और आप लोगों की सुविधा के लिए अब हम लोग कई सारी स्कीम्स यहाँ पे ला रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री की अभी जो स्वास्थ्य योजना है वो भी दरभंगा में पहला मेरे ही हॉस्पिटल को मिलने की उम्मीद है, हड्डी के क्षेत्र में, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले 10-15 दिनों में शायद मिल भी जाएगी। तो
हम लोगों का पहला प्रायोरिटी ये रहता, और मैं इंग्लैंड छोड़ के यहाँ सिर्फ इसलिए आया था, पैसे के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकूँ, है ना। और अभी साहब ये बिल्कुल नहीं है। स्पाइन की सर्जरी बहुत अच्छी सर्जरी है, बहुत रिवार्डिंग सर्जरी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। यानी आपको, मेरे सारे मरीज ये बोलते हैं कि सर आपसे हम पहले कहे नहीं मिले, हम इतना दिन तक कष्ट क्यों सह रहे थे, पहले मिलते तो हमको पहले ही ऑपरेशन करा लेना था, हम इतना दिन से दर्द का दवा खा रहे थे, खाते खाते कई लोग के किडनी में तकलीफ आ जाती है, तो क्यों इतने इतने से 20,000 रुपये 25,000 रुपये में आप ऑपरेशन कर दे रहे हैं, क्यों नहीं हम पहले करा रही ये सर्जरी। तो मेरे ख्याल से ये ना के बराबर अमाउंट है स्पाइन की सर्जरी को यदि हम लोग देखा है तो, क्योंकि ये सर्जरी अभी भी बड़े शहरों में 2 लाख 3 लाख से नीचे में नहीं होती, और हम लोग ये मैक्सिमम अपना खर्चा 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में रखे हुए हैं, और उसमें भी हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यानी लेजर से करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। आप लोग को इस जगह का विश्वास है, लोगों को सब लोग जानते हैं सर, आप ऑर्थो सेंटर में कुछ गलत काम नहीं होता है। सर स्पेन की समस्या रहो, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आज की दैनिक शैली जो है, हम लोग का दैनिक दिनचर्या जो है काफ़ी बदल गया। हम लोग सिर्फ मेटेरियलिस्टिक दुनिया में चले गए, सिर्फ काम 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 और पैसा 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 यही कर रहे हैं। लोग बुनियादी चीज़ें भूल गए, अच्छा आहार हम लोग आज के डेट में लैक कर रहे हैं, और कसरत अपने शरीर पे बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यानी कि पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने शरीर पे 24 घंटे में कम से कम 20 मिनट जरूर दिया करें, व्यायाम के रूप में, योगा के रूप में भी आप दे सकते हैं। सबसे यदि आप ये सब में व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट मस्ट है। सुबह में टहलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर मरीज को, इनफैक्ट जिसका ऑपरेशन करते हैं उनको भी बोलते हैं 1 हफ्ते बाद के कि आप धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए, और वो कम से कम 3 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर आना 1.5 किलोमीटर जाना उतना टहलिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी मिलता है, हड्डी मजबूत होती है, शरीर फ्लेक्सिबल बनता है। तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में लैक हो रही हैं। अच्छा पौष्टिक वो भोजन के लोग लैक कर रहे हैं। आजकल तो कुछ भी आदमी कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, कुछ भी खा लेता है, कुरकुरे खा लिया, कुछ भी खा लिया, सुबह में ब्रेड खा लिया, लेकिन कोई भी आज के डेट में दूध नहीं डेली पी रहा है, अच्छे कैल्शियम रिच डाइट नहीं ले रहा है, तो इन सब से भी तकलीफ आती है। पर यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सुबह में टहल भी रहे हैं तो एटलीस्ट वो मस्ट है, उतना आपको अपने शरीर के लिए जरूर करना चाहिए कि सुबह में 20 मिनट आप टहले ही सही, लेकिन उतना तो जरूरी है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए सुबह में टहलना जरूरी होता है। और हम सर से जानना चाहेंगे लकवा बीमारी के बारे में। लोग अक्सर लकवा बीमारी के बारे में यह धारणाएं हैं कि किसी का गलत अवधारणाएं गांव में ज्यादातर है कि इसका इलाज नहीं होगा, ये पेशाब है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। तो लकवा बीमारी के बारे में हम जानना चाहते हैं सर से कि सर लकवा की बीमारी क्या है और क्या इसका इलाज हो सकता है। मुझे अब आए हुए दरभंगा कुछ समय हो गया, और मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास हर तीसरे दिन तो जरूर ऐसे मरीज आते हैं जो लकवा हैं, या तो वो गलत इलाज करवा रहे थे या कुछ करवा रहे थे। लकवा कई कारण से होता है, पर रीढ़ की हड्डी के कारण जो लकवा होता है, यानी कि आपको चोट लग गई या शरीर में इन्फेक्शन आ गया या नस दब गई जिसके कारण लकवा है, पैर हाथ नहीं चल रहा है, पेशाब रुक गया है, ऐसे मेरे पास अब तो कई मतलब पेशेंट ऐसे हैं जो आते रहते हैं। बिल्कुल संभव है इलाज यदि सही टाइम पे आप मिलें तो, है ना। यदि आपको लकवा हो गया और आप 2 साल तक आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं सही, तो वो क्या है कि नस पे दबाव पड़ते पड़ते नस निष्क्रिय हो जाती है, और उसका इलाज कर देने के बाद भी हम गारंटी नहीं दे पाते हैं कि कितना अच्छा आपको रिकवरी हो पाएगा। लेकिन यदि आपको लकवा हुआ है और आप तुरंत मिलते हैं और मतलब इलाज कराते हैं, तो 100 में से मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि 95% लोगों में तो जरूर पूरी ताकत आ जाती है, और वो लोग इस लायक जरूर हो जाते हैं कि जैसे पहले अपना काम कर रहे थे वो कर रहे हैं। तो इसलिए लकवा को लेके बहुत सारी अवधारणाएं बनी हुई हैं गाँव में कि इलाज नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल इलाज है। डॉक्टरों को नहीं मालूम है, पेशेंट को तो नहीं मालूम रहता, कई डॉक्टरों को भी नहीं मालूम है, अच्छा हो गया अब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जमाना बदल रहा है, मेडिकल साइंस बहुत ग्रो अप किया है, मेरी विशेष तौर पे से इंग्लैंड में इसी चीज़ को लेकर ट्रेनिंग हुई है कि आप कैसे लकवा का बढ़िया से बढ़िया इलाज कर सकते हैं, है ना, उसका कारण है। तो हम लोग हमेशा पहले कॉज को देखते हैं, मतलब कारण क्या है उसका, क्या वो हड्डी खिसकने के कारण है, क्या है वो मांसपेशी कटने के कारण है, या नोज पे चोट लग जाने के कारण है। तो अंदाज से इलाज कभी नहीं कराना चाहिए, वो हमेशा महंगा होता है। हम लोगों के यहाँ
हर दूसरे दिन ऐसी सर्जरी होती है जो इधर उधर से गलत इलाज करा करके आते हैं, और उस समय डॉक्टर्स के लिए कठिनाई बढ़ जाती है और पेशेंट के लिए नुकसान ये हो जाता है कि जितना अच्छा रिजल्ट उसका शुरू में आ सकता था वो बाद में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है ना। तो गलत इलाज से अच्छा है कि नहीं इलाज कराओ, है ना। लेकिन मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं, हर दिन ही आता है ऐसा बच्चा कि प्लास्टर लगा दिया गाँव में, हाथ टेढ़ा हो गया। अब भैया आप सही जगह पे लगाए रहते, कंप्यूटर पे देख करके यदि सही जगह पे सेटिंग कर दिए रहते तो आपको चार बार दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बार प्लास्टर लगवा, एक बार कटवा, उसके बाद हाथ मोड़ रहा, बच्चा भी खुश, माँ बाप भी खुश। पर आपको सोचिए, गांव में वो मरीज खर्चा किया, एक्सरे किया, गांव में दिखाया, प्लास्टर लगाया, उसमें खर्चा हुआ, उसके बाद दोबारा मेरे पास आ रहा, तो उसका खर्चा कई गुना बढ़ जाता है। लोग नादानी में, नासमझी में, पढ़ाई लिखाई के अभाव के कारण में इन सब चक्रों में फंस जाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि आज के डेट में समझदारी आ गई दुनिया में, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, महंगे की जगह बहुत सस्ती हो गई हैं। एक बार इलाज कराएं, समुचित इलाज कराएं, और जो जड़ से चीज़ है उस चीज़ को ठीक करने का कोशिश करें। क्योंकि एक बार यदि हड्डी का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, नस का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है गलत इलाज के कारण, तो चीज़ें और तकलीफदेह हो जाती हैं मरीज के लिए भी, और डॉक्टर को भी ठीक करने में तकलीफ बढ़ जाती है, उसके लिए वो काम और भारी हो जाता है जो कि बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता था। तो जानकारी के अभाव में गलत इलाज न करावे, यही एक सावधानी बरतनी चाहिए, और सही जगह सही इलाज करावे ताकि आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। अब हम मरीज से जानना चाहते हैं कि किस तरह की समस्या में आए थे और अभी क्या हालात है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं? छत्तापुर से। क्या समस्या क्या थी? जान है तो फारे चले। तो अब क्या स्थिति क्या है? अभी नहीं फारे चले, इस ऑपरेशन दर्द करे चले। अब से दुखाई चले। पहले और अभी में क्या अंतर है? पहले से सुधार हुई है? हाँ। कितना दिन हुआ? 3 दिन। हाँ बताइए। हम बिजली मिस्त्री है मानो बल, पोल से गिर गए, हम फिर ब्रांच के फीस बनाने के लिए गए, पोल से गिर गए, लेकिन ऊपर वाले ने हाया दिया था तो हम बच गए। और पोल पे से गिरने के बाद आपको क्या हो गया था? हमको रीढ़ का हड्डी जो है ना, इन्फेक्शन हो गया, और उसके कारण कमर से नीचे काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो डायरेक्ट हम दरभंगा आए इस हॉस्पिटल में, तो जाके हम इलाज कराए तो हमको सुधार है। कहाँ से पता लगा इस हॉस्पिटल में आने के बाद? हमारा पिताजी का टांग टूटे हुए थे तो ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल से हुए थे। तो कहाँ से आए हैं आप? हम जमेला बाजार से आए, मदना पंचायत से। जिला कौन सा पड़ता है? मधुबनी पड़ता है, मधुबनी जिला से है। तो अब कितने दिन में ये सुधार हुआ? ये 3 रोज ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन होने के बाद सुधार हो गया। क्या सब सुधार में क्या हुआ? अभी ये टांग पाँव जो है ना, ये सब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, डांस से ऊपर तो पहले सही था। तो कितना संतुष्ट है डॉक्टर साहब के इलाज से? बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है जी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को? धन्यवाद देंगे, ऊपर तो भगवान है, नीचे डॉक्टर है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मूसा। तो अभी आपने देखे कि अभी जो है हम लोग मरीज से भी मिले हैं और मरीज जो है काफ़ी संतुष्ट है, और डॉक्टर साहब को बस इतना कहें कि ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर साहब भी भगवान के रूप में है जो कि जीवन दान देते हैं। सुनील भारती, CTV न्यूज, दरभंगा। मुस्कान सिंगार एवं गिफ्ट कॉर्नर ब्यूटी पार्लर, यहाँ ब्यूटी पार्लर संबंधित सभी कार्य, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप एवं शादी विवाह में दुल्हन सजाना, दुल्हन मेहंदी का कार्य किया जाता है। साथ ही यहाँ से सभी प्रकार के गिफ्ट, खिलौने, टेडी बियर, कॉस्मेटिक आइटम, झुमका, पायल, फैंसी लहठी, चूड़ी, इयरिंग इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। पूरा पता है गुल्लोबाड़ा नाका नंबर 4, शक्ति धाम मंदिर, दरभंगा टावर के निकट। संपर्क करें 9386559234।